अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो ईद से एक दिन पहले का है, यानी कि चांद रात का। मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत चांद रात मुबारक। इंशाल्लाह कल होगी बकरा ईद और सबकी कुर्बानी होगी। पहले से दुआ कर लेते हैं सबके लिए कि जिन जिन्होंने कुर्बानी की अल्लाह सब की कबूल फरमाए, और जिन्होंने नहीं की तो अगले साल अल्लाह उन्हें इतनी मोहलत दे कि वो कुर्बानी कर सकें इंशाल्लाह। आमीन सुमामीन। दोपहर के खाने के बाद कुछ काम पड़े थे, मैंने कहा वो वाइंड अप कर लूँ। जो कपड़े मैंने कल धोए थे उनको मैंने जल्दी से तह लगा के कबर्ड में रखा और कबर्ड को भी थोड़ा बड़ा सेट कर लिया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो बाजी ने ईदी दी थी फलाह के लिए, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये खूबसूरत सा फ्रॉक जो आपने मेरे पिछले व्लॉग में देख लिया होगा, अगर किसी ने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर है, जाकर देखें कि हमने फ्रॉक्स कहाँ से लिए। खुश हो रही है फलाह। अच्छा, एक ये फ्रॉक हो गया, ठीक है, और दूसरा आप इस बॉक्स में देखते हैं। अच्छा, ये ड्रेस तो मैंने खुद लिया है और बाकी है ये खूबसूरत सी ग्लासेस फलाकी और ये शूज़ गोल्डन कलर के समर शूज़ हैं और ये क्यूट सी क्लिप्स वगैरह हैं और ये दो बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश फोन हैं। थैंक यू सो मच बाजी फॉर द प्रीशियस गिफ्ट। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और गिफ्ट दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छा, और ये जो दूसरा गिफ्ट है जो कि मेरी कज़न ने भिजवाया है पेशावर से, ये खूबसूरत सी है ये शर्ट, बहुत ही प्यारी है, और साथ में ये ट्राउज़र है, ये भी बड़ा है, मैं रख दूँगी इंशाल्लाह अगले साल इसको पहनाऊँगी। और साथ में इन्होंने भिजवाए हैं बहुत ही खूबसूरत हेयर बैंड्स, ये एक ब्लू कलर में है, एक ये बहुत ज़्यादा प्यारा है और एक पिंक कलर में, सारे बहुत प्यारे। थैंक यू सो मच एंड लुक हर शी इज़ सो हैप्पी। फला, ये अपनी चीज़ें कहाँ फेंक दी अपनी, वापस रख दो बॉक्स में। चलो अब बॉक्स को सर पे डाल दो। शाबाश, जी तो फाइनली फला को कपड़े हमने पहना दिए थे। बस जो कुछ एक्सेसरीज़ वगैरह मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई और उसके बाद जो मैंने इसको पाउडर वगैरह लगाया, उसके बाद ये खूबसूरत सी जो शर्ट है वो मैंने पहनाई, और मैंने पीछे मेंशन किया है कि ये शर्ट मैंने खुद सी है फ़र्स्ट टाइम। तो इस स्टिचिंग के जो पीछे एक कहानी है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। साथ में ये एक फला के शूज़ मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने कहा इसको मैं ये भी पहना दूँ। अब ये बड़ी हो रही है तो इसको हर चीज़ समझ आती है, अब ये कहती है मुझे शूज़ ना पहनाओ, मुझे हेयर बैंड ना पहनाओ, तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है शरारती होती जा रही है। साथ में ये मैंने इसके लिए थे स्टील के गोल्डन कलर के बैंगल्स,
तो ये तो बहुत ज़्यादा छोटे थे, तो मैंने लोशन इसलिए रखा हुआ था कि मैं इसके हाथ पे सही से लोशन लगा के और फिर मैं इसको पहना दूँगी। खैर वीडियो में तो बहुत सख्त दिख रहा है, इतना सख्त थे नहीं, मैंने सही भर भर के लोशन लगा दिया था तो वो इसको आ गए थे। अदरवाइज़ इतने बच्चों के जो चूड़ियाँ होती हैं वो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, या तो मैंने लिए हैं वो सारी खुली हैं, वो पड़ी हुई हैं, तो इसलिए मैंने इस बार जो है गोल्डन और सिल्वर स्टील में ली और छोटी ली है। मैंने कहा अच्छा बस खैर है, इसको आए तो सही फिक्स, और इतनी क्यूट लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा प्यारी। बस के बाद मैंने कोलोन लगाया इसके कपड़ों पे और बस इतनी क्यूट सी इससे खुशबू आ रही थी। उसके बाद अब था हेयर स्टाइल की बारी, तो हेयर स्टाइल के लिए मैंने सबसे पहले इसको कर दिया कॉम। और जो आप ये खूबसूरत सा हेयर बैंड देख रहे हैं, ये भी मैंने खुद इसके साथ स्टिच किए, इसके बिल्कुल कपड़ों के साथ मैचिंग, तो इसकी वीडियो भी मैंने एडिटिंग पे लगा दी है, इंशाल्लाह वो भी जल्द अपलोड हो जाएगी। आप भी अपनी बेबी गर्ल्स के लिए बिल्कुल मैचिंग लॉन के कपड़े होते हैं उसके साथ, ये बहुत ही इजी है, आप बना सकते हैं। और देखें इतना क्यूट लग रहा था ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, प्लीज़ ज़रूर माशाल्लाह पढ़िएगा और मेरी बेटी को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। माशाल्लाह से खुशियाँ चेक करें, ये तो फातिमा को देखती है, फातिमा मेरे बड़े भाई की बेटी है, तो ये उसको जैसे ही देखती है तो इतनी ज़्यादा खुश होती है और कहती है बस ये मेरे साथ खेले, ये मुझे उठाए, और वो थोड़ा सा ऐसे इसको कुछ छेड़ती है और ये कहके लगाती है खुशी से, बहुत ज़्यादा खुश होती है बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा। तो बस इसको मैंने फिर प्रॉम में बिठाया और मैंने कहा जिस चीज़ के लिए हम आए हैं स्पेशली अम्मी के घर, तो वहाँ तो जाना बनता है। हम गए बाहर इस ग्राउंड में ना, और भी सब बहुत सारे बकरे खड़े थे, आई थिंक यहाँ पर नेबर्स वगैरह के थे, तो सही शुगल सा लगा हुआ था। ये सामने अली हमज़ा आ रहा है, मेरे बड़े भाई का बेटा, इसको भी बहुत ज़्यादा शौक है बकरों का, लेलों का, मेरे जो छोटा भाई है ना उसकी तरह। तो ये अगर वो व्लॉग देखेगा ना, स्पेशल मैंने उसके लिए बनाया है, मैं उसके लिए आई हूँ अम्मी के घर के ताकि वो ये देख सके और खुश हो, उसको बहुत ज़्यादा शदीद वाला शौक है बकरों का। तो अब वो यहाँ है नहीं, आउट ऑफ कंट्री है, यहाँ जो है ना फला इतनी ज्यादा खुश हो रही थी बकरे के साथ बहुत ज्यादा। अच्छा यहाँ मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताती हूँ, ये जो सामने लड़का बच्चा जो खींच रहा है अपने बकरे को, ये हमारे पीछे पड़ गया था और हम चीखे मारे, इधर भागते थे इधर भागते थे, मैं और जो मेरी छोटी भाभी है ना, सही शुगर लगा थी, देख इस तरह स्पीड से ये भाग रहा था और हमें कहीं छुपने की जगह ही नहीं मिल रही थी, बच्चे भी चीखते थे। खैर अब ये जो बकरी का सीन था ये भी बहुत मज़े का था, ये बकरी हमें देखती थी फिर उनको देखती थी कि ये क्या हो रहा है ना, मैंने कहा इसने आके ना सींग मार देनी हमें। बच्चों की खुशी चेक करें, ये मोहम्मद तैयब इतना ज़्यादा खुश हो रहा था और इसकी बातें हमें हंस हंस के हमारा बुरा हाल था। खैर अब हमने की वापसी, हमने कहा चलो बस अब शाम हो रही है और जल्दी से बकरों को ले आओ घर। हमने पहले इंडिया
रात का खाना खाने के बाद हम फौरन आ गए थे क्योंकि लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर जो मैंने मेहंदी लगवानी थी अपनी छोटी भाभी से, बट मेरी भी रहेगी और फलाह की भी रहेगी। मैंने कहा बस जल्दी से मुझे पेन पे ड्रा करके दे दो ताकि मैं घर जाऊँ और इसके इजीली मैं इसके ना मेहंदी लगा सकूँ। मेरी बेटी की तो मेहंदी पूरी हो जाए ना। खैर मेरी खैर है, अब तो वो दिन चले गए जब मस्ट मेहंदी लगानी होती थी और मेहंदी के बगैर तो मेरी ईद ही इनकम्प्लीट होती थी। बट अब सारा शौक जो है ना मेरी बेटी पे ही सारा पूरा होता है। अच्छा अभी दूसरे हाथ पे जो मैं बना रही हूँ ना, ये मैंने बनाया बकरा, इतना क्यूट सा बकरा बनाया ना माशाल्लाह, इतने मीठे इसके हाथ लग रहे थे। बस ये शुक्र है कि जब मैं इसको ला रही थी ये सो गई थी। बस ये जैसी सोई तो मैंने फ़ौरन आके ना मैंने इसको मेहंदी लगा दी और फ़ौरन उतार भी दी क्योंकि फ़ौरन ही कलर इसका चढ़ गया था और माशाल्लाह से बहुत ही क्यूट लग रहा था। और उसके बाद ये उठ गई। मार खाओगी मुझसे? मैं मामा डांट रही हूँ और आप हंस रही हो? मैंने क्या कहा? डोंट स्माइल। फला जनाब उठ गई है। अब जो है ना मैंने इसको मेहंदी तो लगा दी है बट अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये बेबी ऑयल लगा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ड्राई हो जाएगी स्किन। तो बेहतर है कि सारा रात भर ऐसे ये ऑयल लगा रहेगा ना तो स्किन जो है ना मॉइस्चराइज रहेगी। इधर दे दे मामा को, इधर तो दे। नीक रे फला। अच्छा दिखाएं, दूसरा हैंड दे, मैं उस पर भी लगाऊं। प्लीज़ दे दे मुझे।